रहमानिर्रहीम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका 31 लाख की जो सिम है वो एक्सपायर होने वाली है, मींस के कि अगर आपका एमरस आईडी एक्सपायर होने के करीब है, तो आपको डेफिनेटली एक 31 लाख की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ होगा जिसमें ये मेंशन होगा कि आप जो अपना नया एमरस आईडी है उसको इसमें अपडेट करें। तो अगर आप ऑफिस नहीं जाना चाहते या अगर 31 लाख का ऑफिस आपसे बहुत दूर है, तो इसको आप घर बैठे बहुत आसानी से अपना नया एमरस आईडी जो है वो 31 लाख में अपडेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने माय 31 लाख में जाना है और ये माय 31 लाख का जो ऐप है ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, माय 31 लाख ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ये कुछ ऐसी ऑप्शंस आएंगी। तो आपने क्या करना है, आप राइट साइड में सबसे ऊपर देख सकते हैं तीन लाइंस वाली ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लास्ट पे देख सकते हैं सेकंड लास्ट रीन्यू माय लाइन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी सेकेंड जो ऑप्शन है रीन्यू माई लाइफ, इस पर अगेन क्लिक करना है। अगेन क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन जो है वो आ जाएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं योर अकाउंट्स के बिल्कुल सामने सेलेक्ट ऑल, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लास्ट पे आप देख सकते हैं एग्री एंड सबमिट, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने फिर एग्री करना है। अब एग्री करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो आपका एमरस आईडी है वो आपने अपने पास रख लेना है, जो आपका नया एमरस आईडी है उसको आपने कैसे अपडेट करना है। ये पहले जो है कार्ड फ्रंट, जो आपकी कार्ड फ्रंट है या आपका जो एमरस आईडी है इसका फ्रंट जो पेज है वो आपने इसको किसी भी चीज़ पे रख लेना है और कैमरे पे क्लिक करना है। कैमरे पे क्लिक करने के बाद इसको आपने अपडेट करना है, जितना अच्छा आप अपडेट कर सकेंगे आपने इसको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद अब आपने इसका बैक जो है वो बैक भी इसका अपडेट करना है, कार्ड बैक, इस पर क्लिक करेंगे कैमरे पे और इसका जो है पिक्चर है उसको आपने अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे करेंगे तो आपका जो ये प्रोसीजर है ये सबमिट हो जाएगा। विद इन 1 to 2 डेज में आपका ये जो चीज़ है एमरस आईडी वो आपकी 31 लाख में अपडेट हो जाएगी। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगेबान।